हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन हम सबके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ईजी आर विद विकी आज का टॉपिक है रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक तो कैसे आपको रिसर्च पढ़नी है कैसे आपको स्टैट्स पढ़ने हैं आज वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आइए सबसे पहले चलते हैं सिलेबस की ओर जैसे कि हम सभी को पता है जो हमारा स्टैट्स का पेपर होता है वो फिफ्टी मार्क्स का होता है जिसमें से थर्टी मार्क्स की हमसे रिसर्च पूछी जाती है और ट्वेंटी मार्क्स की हमसे स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है तो स्टैटिस्टिक्स हम बाद में देखेंगे आज हम जो देखने वाले हैं रिसर्च ठीक है research, तो रिसर्च में भी जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आज हम देखेंगे तो रिसर्च में पहले पॉइंट से इतना क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे स्किप कर सकते हो आपको जो स्टार्ट करना है पढ़ना वो करना है सेकेंड पॉइंट से और सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया कि ईटियोमोलॉजी डेफिनेशन एंड सिनोनिम ऑफ़ वर्ड रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर टेन मार्क्स के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर बनता है किससे रिसर्च से तो रिसर्च की आपको ईटीमोलॉजी डेफिनेशन और सिनोनिम पढ़नी है और साथ ही साथ इसको आयुर्वेद में जो कि हम बोलते हैं अनुसंधान अनुसंधान की परिभाषा और अनुसंधान के पर्याय इनका आपको एक श्लोक भी याद करना है अनुसंधान की परिभाषा का और अनुसंधान के पर्याय का जो कि मैं आपको जस्ट इसके बाद आपको बताने वाला हूँ उसके बाद है रिसर्च इन आयुर्वेदा इसका स्कोप इम्पॉर्टेंस और नीड ठीक है तो ये भी आज ये दो पॉइंट आज हम स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट भी करेंगे बस जितना मैंने उसमें बताया गया आप उतना पढ़ लेना मोर देन इनफ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च प्रोसेस की तो चलिए स्टार्ट करता है डेफिनेशन एटमोलॉजी सिनोनिम ऑफ वर्ड रिसर्च रिसर्च की ईटीमोलॉजी डेफिनेशन ऑफ रिसर्च रिसर्च को ही हम अनुसंधान बोलते हैं तो डेफिनेशन ऑफ अनुसंधान देखेंगे उसके बाद अनुसंधान के पर्याय वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा और एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च ये भी हम देखने वाले इससे लॉन्ग क्वेश्चन एक डेफिनेट है कि बनेगा ही बनेगा जितना इस वीडियो में बोला गया उतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ईटीमोलॉजी ऑफ रिसर्च तो क्या बोलती है ईटीमोलॉजी कि रिसर्च इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड रिसर्ची विच मीन्स टू सर्च बस इतनी सी आपको इटीमोलॉजी पढ़नी है कि जो रिसर्च है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है फ्रेंच वर्ड से जिसे हम बोलते हैं जिस फ्रेंच वर्ड रिसर्ची जिसका मतलब होता है टू सर्च ठीक है उसके बाद डेफिनेशन ऑफ रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट और जो ये डेफिनेशन है ये डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग है इसमें ना आपको कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना आपको इसमें कुछ ऐड करना है जैसी ये बोली गई है वैसे ही आपको ये याद करनी है और अपने एग्जाम में लिखनी है तो क्या बोल रही है वो रिसर्च uh, की परिभाषा या रिसर्च की डेफिनेशन कि रिसर्च इज अ क्विस्ट फॉर नॉलेज क्विस्ट का मतलब होता है जिज्ञासा ठीक है तो रिसर्च क्या है रिसर्च इज अ क्विस्ट फॉर नॉलेज थ्रू डेलीजेंट सर्च और इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट डिस्कवरी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ न्यू नॉलेज ठीक है तो क्या है रिसर्च क्या है? एक क्विस्ट फॉर नॉलेज है थ्रू एक इंटेलिजेंट सर्च और इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन ठीक है एम्ड एट डिस्कवरी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ न्यू नॉलेज तो बिल्कुल एज इट इज़ आपको ये रिसर्च की डेफिनेशन आपको याद करनी है और भी कुछ रिसर्च की डेफिनेशन हम देखते हैं क्या बोला गया है कि सेकेंड डेफिनेशन देखिएगा क्या बोल रही है कि रिसर्च इज अस्टम साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेवेंट ठीक है उस टॉपिक से रिलेवेंट करती हुई तो रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक और इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे तो तीसरी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी ठीक है क्या रिसर्च क्या है एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है और इंक्वायरी है स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज ठीक है तो ये तीसरी डेफिनेशन हो गई कि रिसर्च इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज उसके बाद एक चौथी जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटाइज इन्वेस्टिगेशन टू गेन नॉलेज अबाउट द फिनिना एंड प्रॉब्लम्स ठीक है ये क्या है एक इन्वेस्टिगेशन है जो क्यों है टू गेन नॉलेज अबाउट कोई भी फिनोमिना और किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो ये चार यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये चारों आपको याद करनी है रिसर्च की डेफिनेशन डब्ल्यू एच ओ की जो डेफिनेशन है उसको नहीं भूलोगे बाकी इनमें से भी आपको तीनों ही ये याद करनी है ठीक है अब चलते हैं हम आगे अनुसंधान वेरी इंपॉर्टेंट तो अनुसंधान किस से बना है अनुसंधान दो वर्ड को जोड़ के बना है अनु और संधान अनु का मतलब होता है टू फॉलो और संधान का मतलब होता है अप्रोप्रिएट नॉलेज तो अनुसंधान मीन्स टू फॉलो अप्रोप्रिएट नॉलेज तो सबसे पहले अनुसंधान की परिभाषा आएगी ये आपको लिखना है कि अनुसंधान दो वर्ड को मिलकर बना है अनु प्लस संधान अनु का मतलब होता है टू फॉलो और संधान का मतलब होता है अप्रोप्रिएट नॉलेज तो अनुसंधान मीन्स टू फॉलो अप्रोप्रिएट नॉलेज अब जो मैं श्लोक बताने वाला हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको आपको याद करना है देखो रिसर्च में ये श्लोक तो आपको भूलना ही नहीं है एक ही श्लोक है जो रिसर्च में आपको याद आचार्य प्रयोवित शर्मा जी का जो श्लोक है कार्य कारण भावा से द्रव्या नाम गुण द्रव्याण गुणकर्मोक्ष अनुसंधानम उच्चते है, तो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है इसी श्लोक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसकी प्राय का है तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा तो क्या बोला गया श्लोक में कि कार्य कारण भाव से द्रव्याणाम गुणकर्मणों परीक्षय स्थापन सम्यक अनुसंधानम उच्चते तो क्या बोला गया इसकी हम थोड़ा इसका देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये श्लोक कि द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द द्रव्य गुण एंड कर्म आफ्टर सेवरल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपे एग्जामिनेशन एंड अराइवल एट फाइनल कंक्लूजन इज कॉल्ड अनुसंधान वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है कि द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये क्या है एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी है बिटवीन द द्रव्य गुण एंड कर्म आफ्टर सेवरल ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिनेशन एंड अराइवल एट फाइनल कंक्लूजन इज कॉल्ड अनुसंधान ठीक है तो वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद हम देखते हैं अनुसंधान के पर्याय तो अनुसंधान के पर्याय आए चाहे परिभाषा आए मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप पूरा श्लोक लिखो क्या बोल रहे हैं तो वही श्लोक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कार्य कारिण भावा से द्रव्याणाम गुणकर्मणों परीक्षय स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्चते इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है श्लोक का वो क्या बोल रहा है ये इसके पर्याय है कौन कौन से चार इसके पर्याय है अन्वेषणम परवेश तथा च शोध तो ये चार प्राय शोध इत्यादि प्राय लोके सम अभिदियते। तो आचार्य प्रियवित शर्मा जी का ये श्लोक है कौन कौन से तो अनुसंधान के यहाँ पर चार पर्याय बताए गए हैं कौन कौन से एक अन्वेषण दूसरा परवेषण तीसरा गवेषण और चौथा जो है वो है शोध ठीक है तो श्लोक में फिर से बोल देता हूँ ये श्लोक भूलना ही नहीं है भाई आपने ठीक है ध्यान रखना कार्य कारण भाव से द्रव्याणाम गुणकर्मणों परीक्षय स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते उसके बाद अन्वेषणम परवेषणम गवेषणम तथापि च शोध इत्यादि प्राय लोके समअभिदीयते आचार्य प्रियव शर्मा जी का ये श्लोक है अब ये हम परिभाषा के बाद पर्याय जो हम देख रहे हैं तो प्रयाय का मतलब अब हम समझते हैं कि अन्वेषण गवेषण परवेषण और शोध ये बोल रहा क्या है तो सबसे पहले अन्वेषण देखते हैं अन्वेषण दो शब्द को मिलकर बना है अनु प्लस ऐषण यहाँ पर अनु का मतलब होता है कंटिन्यूस या निरंतर और ऐषण का मतलब होता है इच्छा ठीक है तो अन्वेषण का मतलब क्या है डिजायर टू सर्च ठीक है डिजायर टू सर्च तो बिल्कुल एज इट इज आपको एग्जाम में बिल्कुल जैसा मैं यहां पर लिखा गया है वैसे ही आपको लिखना है उसके बाद हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट पर्याय है सिनोनिम सिनोनीम अनुसंधान का परवेषण परवेषण जो बना है वो परी प्लस ईषण से मिलकर बना है यहां पर परी का मतलब होता है फ्रॉम ऑल डायमेंशन ठीक है तो परी सारे डायमेंशन में जाती है ऐसे याद कर लेना तो परी का मतलब है फ्रॉम ऑल डायमेंशन और एशियन का मतलब है टू सर्च तो परवेशण का मतलब क्या हो गया टू सर्च फ्रॉम ऑल डायमेंशन ठीक है उसके बाद है गवेशन गवेशन का मतलब क्या है टू सर्च विद द हेल्प ऑफ ऑल सेंसेस ठीक है तो इसके लिए एक छोटा सा कोटेशन भी आप याद कर सकते हो कि गोभी इंद्रिय एशणम ठीक है गोभी इंद्रिय एषणम टू सर्च विद द हेल्प ऑफ ऑल सेंसेस बस उसके बाद शोध शोध का मतलब होता है फाइंडिंग न्यू एंड वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट तो जो हम रिसर्च करते हैं रिसर्च इसी का तो रिसर्च का मतलब ही क्या है री और सर्च दोबारे से सर्च करना क्यों करना कुछ नया जानने के लिए या जो ऑलरेडी डिस्कवर डिस्कवर है उसको प्रूव करने के लिए ठीक है तो ये जो चार प्राय इसको एज इट इज़ आपको ऐसे ही लिख लेना है अब हम चलते हैं आगे जो है हमारा नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा या एम एन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ आयुर्वेदिक रिसर्च कुछ भी आपको पूछे जाए आप यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये लिखेंगे तो चलिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है जो मैंने आपको अभी बताया वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट और वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट तो रिसर्च का एम ही क्या होता है कि फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट या तो नए फैक्ट को जानना या ओल्ड फैक्ट को वेरीफाई करना कि हां भाई जैसे जो जो हमारी गुडुची है गुडुची ज्वर्घन है हाँ ये इसको प्रूफ करना तो ये क्या है वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट ठीक है तो ये ये भी एक रिसर्च है या कोई और मेडिसिन की आपने कोई भी मेडिसिन डिस्कवर करी एक्स वाई जेड जो कि ज्वरघन है तो वो क्या है फाइंडिंग आपने नया फैक्ट करा ठीक है आपने नई रिसर्च करी और या तो आपने पुराना पुराने को वेरीफाई करा तो यहां पर क्या है कि रिसर्च एम एट फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट और वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट उसके बाद क्या बोला गया कि मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा जैसे कि आप सभी को पता है ठीक है और इसे ही क्या बोलते हैं हम धातु सा में क्रियाचोकता तंत्र से प्रयोजन तो इंपॉर्टेंट आपको याद ही आपको हो जाएगा तो यहां पर पहला क्या है फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट और वेरीफाइंग वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज उसके बाद क्या बोल रहा है कि डिजायर ऑफ एप्सोल्यूट नॉलेज ठीक है आपकी डिजायर है आपके अंदर जिज्ञासा है एब्सोल्यूट नॉलेज की उसके बाद क्या बोला गया कि डिजायर ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके बाद क्या बोला गया कि टू फॉलो दो अप्रोप्रिएट नॉलेज ठीक है आपको पूरी अप्रोप्रिएट नॉलेज आपको फॉलो करनी है तो ये पांच यहां पर बोले गए और आगे भी हम पांच बोलेंगे तो एम एंड ऑब्जेक्टिव में दस पॉइंट आपको ये बिल्कुल लिखना है तो पहला क्या हो गया कि रिसर्च एम एट फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट और वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट दूसरा क्या है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज तीसरा क्या है डिजायर ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज फिर क्या है डिजायर ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और टू फॉलो अप्रोप्रिएट नॉलेज उसके बाद क्या है छठा जो पॉइंट है टू इन्वेस्टिगेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा ठीक है बेसिक प्रिंसिपल जो भी आयुर्वेदक है उसे इन्वेस्टिगेट करना उसके बाद क्या बोला गया कि टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ करंट प्रॉब्लम्स लाइक ऑटो इम्यून डिजीज ई टी सी ठीक है तो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर करंट प्रॉब्लम्स लाइक ऑटो इम्यून डिजीज जितने भी होगी जैसे सोरेसिस वगैरह ये सारी चीज़ें होगी ठीक है इसके प्रॉब्लम्स को इसको क्या करना फाइंड करना ये भी रिसर्च का एक नीड है उसके बाद क्या बोला गया कि टू स्टडी द एटमोलॉजी पैथोजिनेसिस ऑफ न्यू डिजीज लाइक एड्स चिकनगुनिया एक्सेट्रा एंड फाइंड आउट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट इन सब की क्या जानना एटेमोलॉजी ठीक है उसके बाद पैथोजिनेसिस न्यू डिजीज ठीक है ऑफ न्यू डिजीज़ लाइक जो भी है जैसे एड्स हो गया चिकनगुनिया हो गया सॉरिसज हो गया जिसका अभी तक कारण ही नहीं पता करा है अननोन जैसे सॉरेसिसज का एटेमोलॉजी अभी क्या है ईटोलॉजी क्या है अननोन है ठीक है तो वो जानना और उसमें आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या हो सकता है ये भी क्या है रिसर्च की नीड आयुर्वेदा में उसके बाद द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज़ टू डिस्कवर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भाई इसको तो पॉइंट लगा लो नोट करके स्टार मार्क कर दो ये तो आपको लिखना ही लिखना है कि जो गोल है हमारी रिसर्च का वो क्या है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जैसे आप कार्य कारण भाव बोले गए बोला है रिसर्च हमने परिभाषा में भी देखा है कि कार्य कारण भाव से ठीक है तो वही यहाँ पर बोला गया कि द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज़ टू डिस्कवर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसके बाद क्या बोला गया टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पत्थे एंड अपत्थे इन आयुर्वेदिक मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न वाले से बिल्कुल ध्यान नहीं देता है लेकिन हम आयुर्वेद वाले इसको ध्यान देते हैं तो यहाँ पर देखो हमने अभी पिछले स्लाइड में पाँच पॉइंट पढ़े और इस स्लाइड में पाँच पॉइंट पढ़े ठीक है तो ये दस पॉइंट आपको हो गए चाहे क्वेश्चन एम एंड इंपॉर्टेंट एम्स का है एम्स uh, मतलब एम एंड ऑब्जेक्टिव आए चाहे नीड ऑफ रिसर्च आए चाहे यूटिलिटी आए चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा है आपको ये दस पॉइंट बिल्कुल दस पॉइंट एज इट इज़ आपको याद होने चाहिए ठीक है तो इतना ही इस वीडियो में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च के जो रिसर्च प्रोसेस के जो स्टेप्स है उसके निमोनिक्स बहुत ही अच्छे से निमोनिक है वो हम लेके uh, मैं आपको थोड़े दिन में वो लेके आऊँगा तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो गई अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको जो कि होने वाली है टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड जो रिसर्च के स्टेप्स है उसकी थैंक यू